फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी। एंड एज ऑलवेज आई से कि मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, तो आज फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्या कोई व्यक्ति जो कि अधिवक्ता नहीं है अपनी मामले की जो पैरवी है उसको खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में बात की। मैंने आपको उस वीडियो में कहा भी था कि हम बाद में बात करेंगे कि क्या वो किसी और के मामले की सुनवाई जो है वो कर सकता है अगर वो पंजीकृत नहीं है एज एन एडवोकेट। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, प्रश्न ये यहाँ पर आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो है जो एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जिसने LLB की डिग्री तो प्राप्त कर ली है, यानी कि कानून की डिग्री तो उसने प्राप्त कर ली है, लेकिन वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उसके पास डिग्री ही नहीं है, है ना। कहने की बात क्या है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। या तो डिग्री है पर सनद प्राप्त नहीं की है, यानी कि उसको उसने रजिस्टर्ड नहीं है वो, या फिर डिग्री ही नहीं है, तो क्या वो किसी और के मामले की पैरवी जो है वो कर सकता है। तो गाइज़, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है गाइज़, देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोविजंस के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या मत हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वकील है कौन। तो गाइज़, वकील जो है, अगर हम लोग बात करें एडवोकेट एक्ट सेक्शन 30 की, तो सेक्शन 30 कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि राज्य सूची में, यानी कि जिसका नाम जो है वो राज्य सूची में शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी कोर्ट में जो है, किसी भी ट्रिब्यूनल में जो है, उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर सबूत लेने की जो है परमिशन है, यानी कि समक्ष प्रैक्टिस करने का उसको अधिकार है, तो वो वकील कहलाएगा। ये हमारा बताता है सेक्शन 30 एडवोकेट एक्ट। ओके, उसके अलावा अगर हम गाइस बात करें सेक्शन 33 की, देखिए मैं आपको कानूनों के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो हमारा एडवोकेट एक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एडवोकेट एक्ट पूरा हमें क्या बताता है इस बात के बारे में, इस संबंधित प्रश्न के बारे में। तो सेक्शन 30 आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 30 ने क्या बताया कि भाई जिसको अथोराइजेशन है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। सेक्शन 33 क्या कहता है, इस अधिकार को ये कहते हुए दोहराता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अदालत या किसी आधिकारिक जो है अधिकारिता के समक्ष, अथॉरिटी के समक्ष जो है अथॉरिटी के समक्ष प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है एज एन एडवोकेट नहीं होगा। तो देखो, इस अधिकारिता को सेक्शन 33 ने किस तरह से दोहराया है, क्लियर कर दिया है कि उस पर्सन को, उस व्यक्ति को एज एन एडवोकेट अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर हम लोग बात करें सेक्शन 29 की, तो सेक्शन 29 कहता है कि एडवोकेट एकमात्र ऐसा जो है मान्यता प्राप्त व्यक्ति है जिसे कानून की प्रैक्टिस का अधिकार है। सेक्शन 29 ने बिल्कुल सिंपली ये बात हमें बता दी है, ठीक है। अब लेकिन बात करें अगर हम 32 की, तो इसका एक अपवाद भी है, इन बातों का एक अपवाद भी है। तो 32 हमें क्या बताता है, सेक्शन 32 हमें कहता है कि किसी भी अदालत या अथॉरिटी को या फिर व्यक्ति को ये अधिकार देती है, मतलब क्या अधिकार देता है सेक्शन 32, कि वह ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के तहत एडवोकेट के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, उसको भी न्यायालय जो है परमिशन दे सकती है किसी और के मामले की पैरवी करने की। तो कब दे सकती है, कब नहीं दे सकती है, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो गाइज़ देखिए, ये सब कुछ आपके लिए समझना जो है ज़रूरी है। तो कानून क्या करता है, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कोर्ट में ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का या किसी का पक्ष लेने का या पैरवी करने की इजाज़त मिलेगी जिसके पास एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन है ना, जिसे हम आम बोलचाल में सनद कहते हैं, यानी कि अथोराइज कौन पर्सन हो रहा है, जो एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 32 क्या कहता है कि किसी भी कोर्ट को जो है स्पेशल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है सेक्शन 32 कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो एडवोकेट नहीं है किसी के मामले की पैरवी करने की जो है इजाज़त दे सकता है। तो कंडीशंस हैं। तो गाइज, आइए एक केस के बारे में बात करते हैं, हरिशरण रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा 1978 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कि वकील नहीं है उसको अदालत में पेश होने और किसी पक्षकार की ओर से पैरवी करने का अधिकार नहीं है तो उसे उसके लिए अदालत की जो है पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसके लिए जो है पक्षकार को पहल करनी होगी। कहने का मतलब क्या है गाइस, कि अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी के मामले की पैरवी करना चाहता है तो वहाँ पर क्या होगा, उसको
इजाज़त उसको नहीं लेनी होगी, वो कोर्ट से जाकर ये नहीं कहेगा कि मैं फला व्यक्ति का केस लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो पक्षकार है यानी कि जो क्लाइंट है उसको न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी, यानी कि न्यायालय अगर पूर्व अनुमति दे देता है तभी वो पर्सन जो है किसी अन्य व्यक्ति की जो है पैरवी कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एज एन एडवोकेट। तो न्यायालय को गाइज इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर न्यायालय को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट की गरिमा के अनुसार काम नहीं कर रहा है और साथ ही साथ उसको एटिकेट्स भी नहीं है या फिर वो कोई भी निंदनीय कार्य कर रहा है तो कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो कोई निंदनीय कार्य कर रहा है या फिर उसे एटिकेट्स नहीं है या फिर गरिमा को भंग कर रहा है तो कोर्ट ने जो ये परमिशन दी थी, ये जो इजाज़त दी थी, तो इस दी हुई इजाज़त को जो है कोर्ट वापस ले सकता है बीच में किसी भी समय। तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इसकी अनुमति देने या इनकार करने से पहले जो संबंधित व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी, उसका संबंध क्या है, कि वो उस व्यक्ति की क्यों उसको ये सेवा जो है प्रदान करना चाहता है, क्या वजह है, क्या परिस्थितियाँ हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है इकट्ठा करनी ज़रूरी है। गाइस अगर हम लोग बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 2Q की, तो सेक्शन 2Q कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनों के बारे में किसी अदालत में कानून की जो प्रैक्टिस है उसके लिए अधिकृत किया गया है। सेक्शन 2Q सिंपली हमें स्टेट करता है कि प्लीडर कौन व्यक्ति है, यानी कि जिसको अथोराइज किया गया है किसी भी न्यायालय के समक्ष में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब ये अथोराइज्ड पर्सन यानी कि ये अधिकृत व्यक्ति जो है ये कौन है, तो गाइस ऐसा व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन है एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और साथ ही साथ या फिर मतलब इसके अलावा या फिर उसको न्यायालय ने परमिशन दी है ऐसा करने के लिए, मतलब उस केस की सुनवाई करने के लिए जैसा कि हमने अभी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, तो वो जो है अथोराइज पर्सन कहलाएगा। ओके, एक केस और आता है टीसी मथाई एवं अन्य बनाम जिला और सत्र न्यायालय 1999 का ये केस है गाइस। तो इस मामले में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी आपराधिक सुनवाई में कोई एजेंट किसी पक्षकार का उस समय तक वकील नहीं बन सकता जब तक कि पक्षकार जो है इसके लिए अदालत से अनुमति नहीं ले लेता। ठीक है, देखिए अगर किसी व्यक्ति को किसी की पैरवी करनी है किसी मामले की, तो उसका जो पक्षकार है, उसका जो संबंधित पक्षकार है, उसको परमिशन लेनी होगी न्यायालय से। तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उससे वकील पत्र भरवाया जाता है कि कौन जो है आपके बिहाफ पे आपकी तरफ से जो है एज एन एडवोकेट अपीयर होने वाला है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत ध्यान से इनको समझिएगा। अब एक चीज़ और आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो LLB कर रहे हैं या फिर LLB की डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है एज एन एडवोकेट, तो वो लोग भी जो है न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर, तो इस चीज़ का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं और वो लोग जो हैं न्यायालय के समक्ष पेश हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें एडवोकेट एक्ट सेक्शन 45 की, तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने एडवोकेट अधिनियम के तहत अदालत में प्रैक्टिस करने की अधिकारिता उसको नहीं है और वह अदालत में प्रैक्टिस करता है, तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति को 6 मास की जो है वो जेल हो सकती है। तो 6 महीने की यहाँ पर जो है कारावास का प्रावधान ऐसे व्यक्ति के लिए दिया गया है। तो गाइज आई होप कि ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। कानून की छोटी छोटी जानकारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार से जो है जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।